मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार। मैं थोड़ा सा हैलोवीन, आज तक मैं हैलोवीन से थोड़ा सा दूर रहा हूँ। अभी अभी मैं हैलोवीन से थोड़ा सा मेरा मेरी दोस्ती आ रही चालू हुई है, एंड दिस कल्चर ऑफ हैलोवीन पार्टी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द अमेजिंग पार्टी। सब ऐसे राक्षस बन के आते हैं और खूना खून होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं। सो इट इज़ ऑल वेरी वेरी यूथफुल, वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड ऑफकोर्स मयंक का बर्थडे, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज लाइफ। सो आई एम हियर फॉर हिज बर्थडे, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ भैया, मेरे को लगता है कि मुझे ना वैसे ही देख के थोड़े से लोग डर रहे होते हैं तो मैं वैसे ही हेलोविन में अंदर से हूँ, और फिलहाल मैं वो कलर्स का जो शो है लव कुश, उसमें रावण भी बना हुआ हूँ, तो उसके अवतार मेरे अंदर वैसे ही आजकल रावण चल रहा है। तो आई थिंक दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट हेलोविन दैट पर्सन कैन बी। या मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बिल्कुल, जब मैं ज्वाइन कर रहा था इस शो को तो मैं बिल्कुल बहुत नर्वस था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं लोग पसंद करेंगे और उनको मैं एक्सेप्टेबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा एज रावण। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट पीपल आर रियली लाइकिंग इट। आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे आर लाइकिंग इट, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर एंटरटेनिंग सीन्स विच आर अबाउट टू कम, एंड द ट्रैक दैट इज़ अबाउट टू कम विच इज़ अमेजिंग। थैंक यू। देखिए, इससे बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए नहीं हो सकता जब मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स हैं जो कि मेरे लिए बहुत मान्यता रखते हैं लाइफ में। एक तो सबसे पहले हमारी अर्धांगिनी है, उसके बाद प्रीति मैम है जिनकी मैं मूवी कर रहा हूँ, तेरी मेरी गल बन गई, इट्स अ पंजाबी फिल्म विच इज़ रिलीज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, एंड उपवन सर, इनके साथ मेरा जो लगाव है वो अलग ही लेवल पे है। तो मैंने कहा भाई साथ में मिलके एज अ फैमिली लेट्स डू सम बाइट्स एंड टॉक कि क्या होने वाला है। मैम मयंक, आई एम हियर टुडे टू विश हिम, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट हिज बर्थडे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन अ रियली what you call very bhootiya manner very bhootiya manner and I must tell you that he has done a very good job in my film. People will see it very soon. He's a very good actor and a very good human being, and I'm happy that he's in our team, and we hope the film will give him a opening in Punjabi industry, and he definitely deserves it. Thank you, so thank you. Very so happy sweet for of you. Him. Thank you so much. And a very, very happy birthday. Thank you, ma'am. Thank you. वो उद्घाटन हमने लास्ट ईयर किया है, आइडिया इन्हीं का था, मैं पार्टी नहीं करता था, ये थैंक्स टू हर कि इन्होंने मुझे उत्साया कि भाई कुछ तो करो, हमने कहा चलो ठीक है बाकी आप। या बिकॉज 31st को हैलोवीन अगर होता है तो हैलोवीन के साथ साथ इनका जन्मदिन भी होता है, तो इसलिए मुझे लगा कि उसको दोनों को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक स्पेशल इवेंट क्यों ना एक स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। और फिर जब आप अपने लोगों को जो आपके बहुत क्लोज होते हैं उनको आप बुलाते हो और फिर वो अपना वक्त निकाल के आपके स्पेशल डे पे शामिल होते हैं तो वैसे ही आपका जो दिन होता है वो और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। सो आई मस्ट थैंक प्रीति मैम एंड उपल सर दैट एंड अदर गेस्ट ऑफ आर्स आल्सो हु कुड टेक आउट टाइम फॉर अस एंड मेक इट जोधपुर एंड आई सेड नो आई मस्ट गो फॉर माय यंग बिकॉज़ ही इज माय फेवरेट। थैंक यू सो मच। आपको आज के दिन का
To be honest, Preeti ma'am. She was the first you wish me, and मैं तो तैयार भी नहीं हुआ था मैम आप आ गए and then it carried on. So obviously भाई blessings हैं, अब तो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं. बहुत क्यूट, बहुत अच्छा, very nicely done. I feel in India मैंने नहीं देखा ऐसा. जैसे Mayank has been successful in making this party you know बिल्कुल different concept and Halloween का जो atmosphere create करने की कोशिश की, I think well done ना Mayank, very nice. हाँ बहुत अच्छे, या वेरी क्यूट, दैट स्मोकी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी एंट्री पे बड़ा स्मोकी, एंड देन वो लगे हुए हैं ना जो कैरेक्टर्स, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस. जैसे फिल्म का टाइटल है तेरी मेरी गल बन गई, तो टाइटल ही अपने आप में एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए. बाकी फिल्म देखिए, एंजॉय करिए, और उसके बाद बताइएगा कि साड़ी ते तुहाडी गल बनी है कि नहीं बनी है. थैंक यू. सर आज आप इतना आ जाओ. थैंक यू. नहीं हूँ मैं, पिलाता हूँ जब भी पार्टी देता हूँ. सो थोड़ा सा लुक पे गिव मी थोड़ा सा, यू नो. आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि भले ही ये कॉन्सेप्ट मेरा एक आइडिया था कि हैलोवीन के साथ, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है, तो साथ में क्यों ना इस इतने अच्छे स्पेशल डे को और भी स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, और फिर आप लोगों की मौजूदगी से तो ये ऑब्वियसली और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है. सो फर्स्टली आई मस्ट थैंक ऑल ऑफ यू गाइस फॉर कमिंग, फॉर ऑलवेज मेकिंग आवर इवेंट्स एंड आवर पार्टी सो स्पेशल. एक्चुअली बिकॉज ऑफ यू गाइस आवर लाइफ्स आर मेड सो स्पेशल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों की वजह से हमारी जो आवाज़ है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो हमारी ऑडियंसिस तक पहुँचती है. सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस टू आर ऑडियंसिस. एंड रही बात सब डेकोर एंड सब चीज़ की, तो उसमें सारी मेहनत Mayank की ही जाती है, बिकॉज ये इनका बड़प्पन है एज अ वाइफ. एक्चुअली ये सारी मेहनत करती हैं, और हम तो थोड़ा एग्जीक्यूशन कर लेते हैं, बट सारे आइडियाज़ इनके हैं. सो थैंक यू फॉर पुशिंग. हाँ जी, सबसे पहला केक बड़ा अच्छा और स्पेशल केक था. इट वाज अ व्हाई नॉट, आई शुड टेल देम दैट इट वाज मोर ऑफ अ यू नो, मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन इस बार थोड़ी सी जैम जो थी, जैम बेस्ड केक था, सो इट वाज वेरी नाइस. ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़ा सा मुंह मीठा बड़ा अलग तरीके से मेरा कराया गया इन टर्म्स ऑफ केसर पिस्ता बर्फी. सो आई लव दैट, सो इट इज़ वेरी डिफरेंट. I'm shooting for Param Avatar Shri Krishna. हाँ जी, तो थोड़ा सा authentic. अब उसकी शूटिंग होती है नायगांव में, तो नायगांव से when I came back home, मुझे पता, अब मेरे हबी का जन्मदिन था, वो घर पे नहीं थे, तो अभी इतना लेट नाइट आवर्स है, ऐसा क्या करूँ कि बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए और मैं कुछ केक तरह का कुछ क्रिएट कर लूँ. तो हाथ के बना हुआ अगर वाइफ का केक मिल जाए, बाकी केक तो फिर संभव माया है. अच्छा था, सो दैट्स व्हाई आई सेड इट वाज अ स्पेशल केक दैट आई हैड व्हिच वाज जैम बेस्ड एंड केसर पिस्ता व्हिच इज माय फेवरेट. सो थैंक यू फॉर दैट. पसंद
हाँ एक्चुअली मैंने कभी माइथो किया नहीं है एंड मैंने ये चैलेंज लिया और स्टेप उठाया कि मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ, इस जॉनर को एक्सप्लोर करूँ. और अब जब क्योंकि मैंने ये स्टेप उठाया और मैं ये कर रही हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हो सकता है कि आप इस माइथो के बाद मेरे अगले शो में भी मुझे एज माइथो के ही शो में देखें. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये जॉनर करते हुए. कि मेरे को एक्चुअली अब मन कर रहा है कि मैं माइथो में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ. मेरे अंदर एज एन एक्टर एक कॉन्फिडेंस जागा है क्योंकि ये जो जॉनर है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है. तो एक कॉन्फिडेंस अब ये तो ऑब्वियसली विस्लिंग वुड से अपना एक्टिंग स्कूल से अपनी एक्टिंग करके आए हैं. उससे कुछ लेना देना भाई. तो अब जो जो नहीं बट मैं एक्चुअली इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ एज एन एक्टर. बिकॉज मैं किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आई हूँ एंड मैंने धीरे धीरे काम सीखा है अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करते करते. लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जो मैंने इनसे सीखी है. और वैसे भी कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में जब आप की शादी किसी ऐसे से होती है जो एक इंडस्ट्री का हिस्सा ही होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोज होते हैं, बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखने को मिलती है. सो आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड कि बींग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, बींग एन एक्ट्रेस, आई Despite of being an entrepreneur, I got an actor also in my husband who supports me despite of doing Maitho and going to Naigaon. Time ho jata hai ghar aate gaate, but ye inki support hai jiski wajah se main... Ye toh bhai actors ki life hai. Ek actor dusre actor ka dukh aur dard nahi samjhega toh kaun samjhega. To it's a blessing in disguise for me as well that I got someone in my life as my creative partner. Coming back to your question, yes, I'm enjoying this genre jo main kar rahi hu maitho genre. Aur ye karte karte mere andar aur utsah jaag raha hai ki main aur bhi zyada maitho explore karu aur wo karu. But yes, main ye nahi kahungi ki main social drama nahi karungi. लेकिन मेरा अभी माइथो में इंटरेस्ट ज़्यादा जाग रहा है और रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है ऑडियंसिस की तरफ से. तो डेफिनेटली मैं इसको बहुत ही उत्साह के साथ और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगी. एंड आई मस्ट थैंक माय ऑडियंसिस फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस रोल आल्सो. जैसे कि उन्होंने मुझे मेरे पास्ट के रोल्स में पटियाला वेव्स में और थपकी में, दहलीज में, करोल बाग में, छल में हमेशा सपोर्ट किया है. थैंक यू सो मच टू माई ऑडियंस एंड थैंक यू to you guys thank for you. always being there. Thank finally, you ma'am aapne jaise studio ki baat ki hai to bhi main certificate ho jaati hai Mayank sir ki khubiyan buraiyan nahi khubiyan. Sabse pehli khubi to maine abhi baaton mein bata di ki bhai ye he is very supporting as a husband because aap jante hain ki shooting mein television specially kis tarah ka hota hai, kitne ghante jaate hain aur fir उसके बाद आते आते भी बहुत बार टाइम लग जाता है. तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव और इनकी सपोर्ट ही है जिसकी वजह से मुझे काम करने में और भी ज़्यादा उत्साह मिलता है. बिकॉज मैं वर्कोहॉलिक हूँ एंड दूसरी खूबी इनकी ये है कि ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. अगर मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो ये मुझे मेरे को सुन एक्चुअली मैं मेरे को थोड़ा समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है कोई चीज़. तो ही इज़ वेरी पेशेंट विद मी एंड ही अंडरस्टैंड्स मी माई वीकनेसेस एंड ट्राइज टू मेक मी अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स दैट यू नो ही फील्स इज़ नेसेसरी फॉर मी. और आई थिंक ये एक ब्लेसिंग है बीइंग एन एक्ट्रेस कि यू हैव एन हस्बैंड फ्रॉम दिस इंडस्ट्री. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए होती है तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी. एंड क्या व्हाट एल्स इस बार के लिए दो ही काफ़ी हैं और बाकी बाद में बताएंगे. एंड हाँ ही लव्स मी मोर देन मी विच इज व्हाट आई रियली लव अबाउट एग्जैक्टली. सो इनकी खूबियाँ जो इन्होंने जैसे विस्तार में बताई हैं उसमें ऐड खाली इतना ही करूँगा कि एक यू नो पार्टनर में आप एक फ्रेंड भी ढूंढते हैं. सो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड टू बी. सो दैट सम्स अप ऑल द यू नो पार्टनरशिप्स दैट वन कैन हैव इन लाइफ. दैट एक
साथी के साथ में एक दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है, तो ऑडियंस सोचिए समझिए और दिमाग लगा के सिलेक्शन कीजिए, मेरा अच्छा, हो गया। क्योंकि क्योंकि हम थोड़े से फिल्मी हैं तो, और क्योंकि इन्होंने ये बात करी कि आप थोड़ा सा कुछ बताइए और इन्होंने भी कुछ मेरे बारे में बताया, तो इन शॉर्ट शेरो शायरी के ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगी इनसे, क्योंकि इनका जन्मदिन भी है आज, कि कमी थी जो मुझ में वही तो मोहब्बत है तू। ओहो, यू मेक मी कंप्लीट, माय हार्ट बीट्स मिलियन बक्स राइट नाउ, सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग। खाना खा के जाइएगा प्लीज, और प्लीज एंजॉय द पार्टी, थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय। सबसे पहले तो बर्थडे पार्टी है, सब जो पार्टी है एक साथ में, पार्टीज़ ऑलवेज एक्साइटिंग होती है, और आई एम श्योर दिस पार्टी इज़ ऑल्सो गोना बी एक्साइटिंग, स्पेशली विद द हैलोवीन वीक, एवरी वन इज़ काइंड ऑफ गोना बी ड्रेस्ड वेरी वेरी डिफरेंटली एंड इट्स गोना बी फन। सो वी ऑन द बियॉन्ड म्यूजिक के बिहाफ पे हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन, एंड जैकी इज़ गोना प्ले, सो ही इज़ अ ग्रेट सिंगर, वी गोना हैव गुड टाइम विद हिम। क्या कहना चाहेंगे विरल? बस वी आर हियर फॉर जैकी एंड द एंटायर हेलोइन टीम फ्रॉम बियॉन्ड म्यूजिक, एंड स्पेशल कांग्रेचुलेशंस टू विशाल कारियान द होल टीम, दे हैव बीन डूइंग ग्रेट एफर्ट्स एंड एवरी प्लेस व्हाटएवर दे आर कमिंग अप विद हैव बीन ग्रेट वेंचर्स, सो पेशन विशाल बोथ। कुछ नहीं, कुछ नोटोरियस एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं और क्या, सो ट्राइंग टू be more like a little bit on the Halloween side, whatever I could do, tidbits on my part I could, I have. नहीं अभी गई नहीं हूँ, और मुझे ये जो आवाज़ें आ रही हो सुनकर इतना डर लग रहा है कि मैं यही अभी बता रही थी, अगर और एक आवाज़ आई तो हो सकता है कि मैं यहीं से वापस चली जाऊँ, अंदर नहीं चली जाऊँगी फिर। सॉरी, प्रोजेक्ट, see, we've started with a company called Beyond Music, myself and Will Motani. We have launched a music label called Beyond Music, in which we are launching all the young talents. And they are great singers, great voices, and it's a platform to all new singers. At the same time, we are doing a lot of events. So, finished quite some couple of exciting events in India as well as in Dubai. So, beginning has been quite great. We are really looking forward to doing great event soon. Thank you so much. Thanks a lot. Bye. Bye. बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज मैं उनका बर्थडे है, सो जस्ट केम हियर टू विश हिम हैप्पी बर्थडे, एंड हैलोवीन नाइट भी है, सो वी आर गोना हैव पार्टी। हैलोवीन है, कॉस्ट्यूम वगैरह होते हैं, तो एनीथिंग दैट स्पेसिफिकली यू आर ड्रेस्ड अप? इसका जो शैतान और जानवर जो है उसके अंदर है एक्चुअली। हाँ, मुझे बाहर लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बट येस आई वॉज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम शूट, तो डिड नॉट यू नो आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज कि मैं हैलोवीन टाइप कॉस्ट्यूम में आऊँ, बट वी मैनेज्ड, यू कैन सी यहाँ बहुत सारे अजीब अजीब चेहरा सा एक बना हुआ है। इसके इसके हिस्से का भी शैतान जो है मैं ही लेके आया हूँ, मेरा वाला ये रहा और अलीशा का। शैतान की बात की गई है तो रूमर्स आ रहे हैं कि आप I think let's just keep it as rumors only for now. बहुत जल्दी क्या एक्चुअल चीज़ है वो सबके सामने आ जाएगी, सो नथिंग मच। या वाई नॉट, बट इट्स लाइक लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट फॉर नाउ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इट्स अ सरप्राइज, सो लेट्स जस्ट कीप इट एज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। I have taken a break from daily soaps, so I am shooting for a web series which will be out very soon. It is based on a true story and it will be out very soon. We won't
want to wish Mayank a very, very happy birthday. And we want to tell our fans that just thoda sa hi wait aur karna padega. We'll be back with something really exciting. Ye bhi aur main bhi, hai ki nahi Alisha? Bilkul, obviously. Zyada wait nahi karna padega. So, thank you. पहले तो सबसे यस सबसे पहले आई वांट टू विश मयंक गांधी अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे. और क्या दिन चूज़ किया है मयंक ने पैदा होने का. इट्स हैलोवीन नाइट, सो इट्स अ गुड गुड वाइब प्लस लिटिल स्कैरी वाइब. अब अंदर जाके पता चलेगा. इनफैक्ट मैं एक्चुअली अंदर देखकर आई हूँ. सो इट्स वेरी स्कैरी. पूरा इन्होंने या इतने बड़े बड़े रोबोट्स चल रहे पूरे एकदम क्रीपी से कपड़े पहन के. एंड इट्स लाइक रियली फन यार. सो आई एम होपिंग फॉर अ गुड नाइट. नहीं, मैं अपनी लाइफ में बहुत कॉस्ट्यूम ड्रामा कर चुकी हूँ. पृथ्वीराज चौहान, जोधा अकबर, बालवीर, सितारा माय लास्ट शो. तो मैंने आज डिसाइड किया मैं बहुत ही सिंपल बन के आऊँगी. बट यार थोड़ा मैंने स्कैरी मेकअप करने की कोशिश की है. गोरी तो मैं ऑलरेडी हूँ तो वाइट करने की ज़रूरत है नहीं. सो आई ट्राइड पुटिंग लिटिल डार्क लिपस्टिक जिससे मैं थोड़ी सी डरावनी और लगूँ. थैंक यू. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी हैलोवीन. डरते रहिए और सबको डराइए. Hi. So today we all are here for a Halloween party, and more than that, I'm here for Mayank Gandhi's birthday. He's a very dear friend, and so is Hunar. And I have specially come to wish them a very happy birthday and enjoy this Halloween party. And it's really done very, very, very well. I just spooked out right now when we were coming down. So have very happy birthday to Mayank, and may he have a great year and lots of success and love. Thank you. Pardon? कितना scary था? बहुत ज़्यादा scary था, but it was cute. We were scared. I think अगर हम बच्चे होते तो और ज़्यादा scared होते, but it was fun. You guys should go in and check it out. So she was scared. That means mission successful. Yeah. She got scared. I got and really Aries got scared. Yeah. It's a very well done thing. Thank you. Bye. Thank you.
शुभकामनाएं। बर्थडे बॉय के बारे में कि हैप्पी बर्थडे एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो। एक अब तो एक ही बात होती है। ओ सेम हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी हैलोवीन। इससे अच्छा क्या दिन हो सकता है कि आप दोनों चीजें बना सकते हो। सो फैबुलस एंड ऑल द बेस्ट टू हिम एंड हर एज वेल। एंड आई एम टू वेरी हैप्पी दैट दे कुड मेक इट। यार इस तरह से लगती है अब ना हम हैलोवीन पार्टी जो अटेंड करते हैं ना वो मेनली हमारे बेटे के साथ करते हैं। तो बहुत अलग होता है। पहली बार मतलब ऐसा हुआ कि हम निकले हैं तैयार होके और अब देखेंगे अंदर क्या होता है। Maybe we'll हाँ, तो देखेंगे अंदर क्या होता है वो पहले मैं उसके लिए स्केरी है कुछ नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ क्या स्केरी है ऐसा क्या हम, हो रहा है। हमें आदत है डरने डराने की। मैं ऐसे डरा डरा सा रहता हूँ। अच्छा yeah it's great up show is going good and it's great to play such a glamorous god to bahut acha lag raha hai mujhe and lage hain yaar mehnat kar rahe hain owners also doing really well and yeah I hope people keep liking it sorry yeah sabse mushkil hota hai to be accepted as a god since they already was a younger krishna so I'm happy bahut khushi hai mujhe ki logon ne accept kiya because that was a difficult part and that is done and ab krishna ji ki to bahut kahaniyan hai to hum bahut sari kahaniyan dikha rahe hain bhai kar thank you all right see you guys happy halloween Happy birthday to Mr. Gandhi. वो है असली भूत साला उसी दिन पैदा हुआ है वो जिस दिन हेलोवीन है अंदर जाके देने वाला हूँ उसको बहुत सारी अभी पीछे क्या बात कर रहे हो यार This is me without makeup. ये मेरा असली चेहरा है. This is my personality. मेरे को लोग selfish बोलते हैं ज़्यादा तो डीजल ने कि वो निकाला था stick your personality on your t-shirts. So उसका है. तो जो दिखा मिक्स मैच करके आ गया दो रात से सोया नहीं हूँ वैसे ही आंखें काली हुई थी सोचा इसको और काला करके ले आऊँ ये गलती से परमानेंट मार्कर लग गया पता नहीं हटेगा कैसे यार दिस इज माय फर्स्ट टाइम फॉर अ हैलोवीन पार्टी आई हैव ऑलवेज सीन इट अब्रॉड और पेपर्स में देखा ही हुआ है तो देखता हूँ अंदर कौन है कि मेरा ही कटा है सिर्फ ओके हैप्पी बर्थडे टू माय अंक ऊपर जाना है Honestly, don't have a specific name. मुझे नहीं पता ये क्या है. I think she's meant to be like a vampire slash. So it's basically her. Makkadi. It's so rude. I don't know. I just got creative. Why don't you say something about your look, which is actually. आपके लुक के बारे में ज़्यादा कहेंगे. क्या सोचते हैं आप? Yeah. So I wanted to be just doing the face makeup. So this is a businessman. Or farmer who kind of died and this is how he looks, I guess. But yeah, this is the easiest we could do because we अभी हम लोग सीधा shoot से आ रहे हैं. Yeah, so. So जो भी हम लोग रास्ते में कर पाए ये हमने किया है. So that's what it is. आपके लुक के बारे में क्या कहेंगे?
so my wife killed me on the day of the wedding, so I'm like a dead groom. Looking for her, ready to kill her. And that's our friend Brittany. And what are you dressed as? Just a dead person, some little scars. That's cute. Great. Right. I think more than that, we share the same birthday. My uncle and I. So it's her birthday it's today. Fun. Thank you so much. So I think it'll be good fun. We're looking forward to a really fun night. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Right. Thank you so much. Halloween hai aur saath mein ek insaan ki birthday bhi hai. I think that is a bigger Halloween than the Halloween itself. So I have come to wish my brother a happy birthday and a happier Halloween. I think his birthday on Halloween is more important than Halloween itself. Jahan apne log ho, jahan pyar mohabbat ho, jahan par khamakha ki smiles na ho, jahan khamakha ke hello highs na ho, jahan jo log mile jo dil se mile, jo apne ho, jo dil se muskuraye, waisi jagah zyada maza aata hai. Ye waise hi log hai mere, bahut khas mere bahut priya mitra hain dono. Mayank has been my gym buddy since almost a decade now. Main jis gym jata hu hamari destiny hame us gym mein milwa deti hai aur ab to aisi destiny ho gayi hai ki gym bhi saath mein hai aur hum jis building mein rehte hain usme bhi saath mein hai to ab hamara milna aur zyada ho jata hai aur unki biwi bhi meri bahut hi achhi dost hain bahut pehle se to mere do doston ki aapas mein shaadi ho gayi to mere liye तो सोने पे सुहागा है कि दोनों हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं सो या इट मेक्स हिम वेरी स्पेशल टू मी थैंक यू हैप्पी हैलोवीन गाइस